क्राफ्ट जो मैं आज बनाने वाली हूँ बर्डी। तो इंडिपेंडेंस डे मैंने बहुत सारे चावल की आर्ट्स करी हैं, और अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बर्ड ड्रॉ कर लिया है, सिंपल जैसे ड्रॉ करते हैं। आप कोई भी सिंपल बर्ड ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो बर्ड की जगह फ्लैग ड्रॉ कर सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ जो इंडिपेंडेंस डे पर कॉमन हो, ठीक है वो, या मतलब कोई भी चीज़ जो इंडिपेंडेंस डे पर यूज़ होती हो, सो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसको कट कर लेंगे, और फिर मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से फेविकॉल लगा दिया इसके ऊपर, जिससे वो इजीली चावल स्टिक हो जाए। और फिर यहाँ पे हम चावल स्टिक करना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहो तो पहले चावल के अंदर कलर डाल के उसको सूखने रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो ऐसा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऐसी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टिक कर दिया है, और उसके ऊपर मैंने फिर फेविकॉल का पानी, फेविकॉल में ना पानी मिक्स करके उसको लगा दिया ऊपर से, जिससे कि वो जो चावल ऊपर वाले हैं ना वो हटे ना। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ऐसे ही कर दिया है। फिर यहाँ पे ऑरेंज कलर करना स्टार्ट करूँगी। तो ज़रूर आप अगर का चावल को डायरेक्ट चिपका रहे हो कलर वाले चावलों को, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको नीचे ऑरेंज कलर करना पड़ेगा, वरना जो वाइट ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स वो दिखेंगे, इसलिए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए तो आपको वो करना पड़ेगा। पर एज़ यू विश आप कर सकते हो, एज़ यू आपको कैसा जैसे करना है। तो यहाँ पे आप मैंने ज़्यादा गीला कलर मत लगाना, पहले इसे सूखने देना। मैंने गीले ही लगा दिया तो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बट ठीक बना था। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, वाइट कर देना। आप सोचोगे कि चावल वाइट है, नहीं, थोड़े से वाइटिश नहीं है, थोड़े थोड़े ब्राउन भी होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े येल्लोश भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर भी कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे ग्रीन कलर भी कर दिया है, डार्क ग्रीन कर सकते हो, लाइट ग्रीन तक खास नहीं दिखता है, डार्क ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो डार्क ग्रीन कर दिया मैंने यहाँ पे, वाइट कलर भी कर दिया है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे में वाइट कलर कर दिया है, फिर इसकी चोंच बना देंगे ब्लू कलर से। मैंने उसकी आईज बना दी थी, जिससे हमारे फ्लैग में, अगर आप फ्लैग में ब्लू कलर का डॉट या चक्र, अशोक चक्र नहीं लगाओगे, सो वहाँ पे वो फ्लैग इंडिया का नहीं इटली का माना जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरे पर कर दिया है, मैंने यहाँ पे डॉट भी लगा दिया, बहुत अच्छा लग रहा था बनने के बाद। और यहाँ पे रेड रेड उसकी चोंच भी बना दी थी मैंने बाद में, ठीक है। तो अच्छी लग रही थी बनने के बाद, इसे सूखने देंगे, सूखने के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप बताना आपको कैसी लगी ज़रूर से, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।